ये दोस्तों बकरी ने दिया बच्चा आज सुबह सुबह, और ये बेचारा बचा नहीं है, मर गया अभी अभी। इसको बाहर पहले मैं लेके जाता हूँ दफनाने के लिए। इसको दोस्तों अभी मैं बाहर ले आया हूँ, अभी इसको दफनाते हैं। वो सामने चार्ली की कब्र है ना, वो सामने, उसके साथ ही इसको दफनाऊँगा। इस बेचारे की दोस्तों ज़िंदगी इतनी थी बस। ये दोस्तों है भी फीमेल। अभी दोस्तों 8 दिन ना बकरी को रहते थे, ये 8 दिन ना पहले बकरी ने बच्चा दे दिया। अगर 8 दिन बाद देती ना फिर ये बिल्कुल ठीक होता। सुबह सुबह जब दोस्तों मैं शेड में आया हूँ ना, बकरी आगे बच्चा दे रही थी, मैं इतना ज़्यादा खुश था कि बकरी ने ना अचानक ही सरप्राइज़ दे दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं आया हूँ ना, बकरी ने बच्चा तो दिया हुआ था लेकिन मरा हुआ था। ये है भी दोस्तों, ये फीमेल थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी, वाइट कलर में थी और थोड़े से देखें इसके कान ब्लैक थे। अगर 8 दिन बाद ये देती ना बकरी, फिर ये बिल्कुल हेल्दी बच्चा होता, एक्टिव होता। लेकिन अब बेचारा ये मर चुका है, अभी इसको दफनाते हैं। कहीं मैं ले आई हूँ इसको, अभी दोस्तों दफना दिया मैंने चार्ली के साथ। ये चार्ली की कब्र है, अब ये इसकी होगी। अभी चलते हैं सीधा अंदर ही। आज जूली उधर बैठ के देख रही है। अभी दोस्तों मुर्गियों को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये भी सारी बाहर आ जाएं। चलो चलो आ जाओ, सब उधर चली गई हैं। ये भी उधर ही है, ये भी चली गई है। और मुर्गी ने दोस्तों बच्चे निकाल दिए हैं जितने इसने निकालने थे। बस दोस्तों 4 ही निकाले हैं, जो मैंने 8 अंडे इसके नीचे रखे थे ना, 4 बच्चे निकाल दिए हैं, सो 4 अंडे ख़राब हो गए हैं। और मैंने ना वो अंडे फेंक दिए थे बाहर। और ये देखें माशाल्लाह से ये मुर्गी इधर बैठी हुई है। और 3 जी हैं बच्चे, चौथा किधर गया, चौथा जी आ गया चौथा। और पानी भी मैंने इसके पास रख दिया है, अभी इसको नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर बाद निकालेंगे। बजीज दोस्तों इधर अपने दाने खा रहे हैं। और वो सामने देखें, मुझे शक था कि उस मटकी में ना इन्होंने बच्चे दिए हुए, और वाकई दिए हुए हैं। अभी वो देखें मदर जो है ना, वो फीड करा रही है अपने बच्चे को। बाकी ये देखें काफ़ी प्यारा, पता नहीं ये एक है या कितने हैं ऐसे। वो सामने उसने ना अपना मुंह बाहर निकाला हुआ है। थोड़े दिनों तक दोस्तों पता चल जाएगा, जितने भी हुए ना वो खुद ही बाहर निकल आएंगे। और अभी दोस्तों मैं ना आपको बकरी भी दिखाता हूँ जिसने ना बच्चा मरा हुआ दिया है, वो सामने खड़ी है। इसका दोस्तों मैंने नेम रखा हुआ है पिंकी। इसका जो भाई था ना टिंकी, उसको तो दोस्तों मैंने दे दिया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था हमें। और अभी ये बेचारी पिंकी का भी बच्चा मर गया है। इसने दोस्तों जो पहला बच्चा दिया था ना, वो भी फीमेल थी, इस बार भी फीमेल थी। पहली जो फीमेल थी वो दोस्तों तकरीबन मंथ की थी या 2 मंथ की थी, और उसको गिदड़ उठा के ले गए थे। और इस बार जो दिया है वो बेचारा मारी गया है, वो 8 दिन पहले जो दे दिया इसी वजह से मर गया है। और अभी वो इधर ना साइड में खड़ी है। और चारा मैंने इनको पहले डाल दिया था, ये खा चुकी हैं, बस थोड़ा सा रह गया, अभी और इनको मैं डाल देता हूँ। और वो दोस्तों बोली जा रही है सुबह से, और बेचारी काफ़ी ज़्यादा है भी सैड। अब क्या कर सकते हैं, अभी मैं इनको चारा डालता हूँ। आजकल दोस्तों जितने भी मेरे चूज़े हैं ना, वो सारे इधर आ जाते हैं और आके ना ये चारा खाना शुरू कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी दोस्तों मैं बबलू को भी बाहर अपने साथ लेके आया हूँ। और दोस्तों मुझे ना चूज़ों ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी दोस्तों मैं इनको आजकल बाहर निकालता हूँ ना, वो सीधे इधर आ जाते हैं और आके ना ये चारा खाना शुरू कर देते हैं। और मुझे ये डर है कि ये इस चारे में जब आते हैं ना, नज़र भी नहीं आते क्योंकि चारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एक चूज़ा उधर हो, एक उधर हो, एक इधर हो, बिल्कुल नज़र भी नहीं आते। और मुझे दोस्तों ये डर है कि ये ना हो, ये इधर अपने मज़े में ना चारा खा रही हो और इनको बिल्ली पकड़ के ले जाए। वैसे ज़्यादातर इधर बिल्ली आती तो नहीं है, लेकिन बिल्ली का पता भी नहीं है कि कब आए और कब ना चूज़ों को उठा के ले जाए। और दोस्तों ये जो पौधा लगा हुआ है ना, ये बादाम का है। अभी मैं आपको इसके पास जा कर दिखाता हूँ, और इसके ऊपर बहुत से फूल भी लग गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्यारा हो गया है। और इसके ऊपर पहले फूल आते हैं, बाद में ना पत्ते आते हैं, और अभी फूल आ चुके हैं। और देखें छोटे छोटे से ना ये पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं, ये देखें। और बाकी इसके ऊपर इतने ज़्यादा फूल आ गए हैं। अभी मेरा दिल है दोस्तों आज ना मैं बबलू को इधर उड़ाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं उधर बाहर लेके जाता हूँ, उधर बबलू को उड़ाता हूँ। आज इसको मैं इधर उड़ाता हूँ। चलो बबलू हाथ पे हो, चलो 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 गो बबलू। और ये देखे, और छोटी सी फ्लाइट नहीं, ये देखे छोटा सा बस चक्कर लेके आ गया, लगा के आ गया। चलो बबलू रेडी हो जाओ, दूसरा चक्कर लगाओ बड़ा सा, गो। वो देखे, अभी देखते हैं मेरे पास आता है या नहीं बबलू। वो उधर बैठने की तैयारी कर रहे, मैं इधर खड़ा हूँ बबलू। और देखें वो उधर जा कर शेड के ऊपर बैठ गया। अभी मैं इसको बुलाता हूँ बबलू। वो उधर ही दोस्तों बैठ के, अभी जाके ना मैं उसको लेके आता हूँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है बबलू। दोस्तों इधर मज़े से बैठा हुआ है, चलो बबलू आ जाओ।
आ जाओ, ओ आ जा, मैं पीछे जाता हूँ फिर ही आ जाएगा। ये देखें गुड बॉय। ये जो दोस्तों मेरा ब्रीडर पेयर है ना, इसके साथ ना मैं नई मुर्गी लेके आया हूँ। पहले जो इसके साथ मुर्गी लगी हुई थी ना, उसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों मुर्गियाँ ना आपस में लड़ती हैं। वो भी ब्लैक कलर में थी, ये भी ब्लैक कलर में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। लेके मैं इसको पहले आया था, लेकिन पेयर ना मैंने इसका 2 दिन पहले ही लगाया है, और अभी ये उधर खड़ी हो गई है, बाहर नहीं आना इसने। ये देखें बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। चलो तुम अंदर चले जाओ, ये देखें, चलो अंदर चले जाओ। गायों के पास दोस्तों मैंने पानी रख दिया, और ये बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही, क्योंकि इनका दिल है कि हमें ना शेड के अंदर बांध आ जाए और हम जाके ना चारा खाएं मज़े से। इसके आगे भी पानी रखा है, इसने भी नहीं पिया। इसके सामने ना पहले मैंने रखा था, ये पी चुकी थी, अभी इसने नहीं पिया पानी। और ये दोनों जो हैं ये इधर आराम से खड़ी हैं, ये हर वक्त आपस में लड़ती रहती है। ये डेजी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और रानी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और मुर्गियाँ सारी ना चारे में गई हैं। और इधर से दोस्तों हर तरफ ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, और ये सारा जो जितना भी चारा हमने लगाया हुआ है ना, इन्हीं गायों के लिए लगाया हुआ है। ये इतना ज़्यादा खाती है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मेरे ना इनके लिए अंदर भी चारा डाला हुआ है, बस थोड़ी देर तक ना इनको मैं बांध दूंगा। अभी ये इंतज़ार कर रही है कि हमें खोला जाए और हम ना शेड के अंदर जा कर चारा खाएँ। अभी मैंने ना इनका चारा तैयार कर दिया था, और ये सामने इधर मैंने ना रखा हुआ है, बस अभी मैं इनको खोलूँगा, फिर ये ना इधर आ जाएंगी खाने के लिए। और अभी इसमें थोड़ा सा डाल के रखा हुआ है, ये मैं इनको बाद में डालूँगा जब ये ना खा चुकेंगी। ये इतनी ज़्यादा दोस्तों खाती हैं ना, बस ये 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर ये सारा ख़त्म कर देंगी। सबको दोस्तों मैंने बांध दिया, अभी ये लास्ट रहेगी, इसको भी ना इधर बांध देता हूँ, फिर ये अपना सारा टाइम ना मज़े से बस ये अब चारा खाती रहेंगी। मिनी हैंड फार्म के अंदर भी दोस्तों मैं देख लूँ कि किसी मुर्गी ने अंडा दिया या नहीं, रोज़ मैं देखता हूँ, आज भी नहीं है अंडा। इधर ये मैंने क्रेट रखा था, इधर भी मुर्गियों ने अंडा नहीं दिया, पता नहीं क्या वजह। जब से दोस्तों मिनी हैंड फार्म में मैंने मुर्गियों को बंद किया ना, एक मुर्गी ने भी ना अभी तक अंडा नहीं दिया। और इनके काम चक्कर ये देसियों के, ये सब्ज़ी के अंदर गई हुई हैं, और देखिए सब्ज़ी की ना इन्होंने क्या हालत कर दी है। ये अभी मेथी खा रही हैं उधर मज़े से, दोनों देसी मुर्गियाँ, और बाकी तो नहीं है, बस ये 2 ही। अभी मैं जाकर इनको पहले बाहर निकालूं। इधर से दोस्तों ये जो बादाम का पौधा है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और ये आप देखें इसके ऊपर ना लाइट पिंक कलर के ना बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बहुत ही जल्द ना लियोना भी गुड न्यूज़ देने वाली है, लियोना भी दोस्तों बहुत जल्द ना माँ बननी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।